छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक भूपेश बघेल पर कई आरोप गंभीर रूप से लग रहे हैं। सुरेंद्र दाऊ सहित कई पार्टी नेताओं के आरोपों के बाद अब पूर्व कांग्रेस विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह की पत्नी ने भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने एक वीडियो जारी कर पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा, भूपेश बघेल की वजह से ही मेरे पति ने कांग्रेस छोड़ी थी। मैं विभा देवव्रत सिंह जी, आप लोगों से एक वीडियो के इस वीडियो के थ्रू कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हमारे राजनांदगांव की जनता, हमारे खैरागढ़ की जनता, क्षेत्रवासियों, जिस तरीके से भूपेश बघेल जी और पद्मा ने मिलकर महल को ख़त्म किया, महल पे पत्थर बरसाए, हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया और हमारे महल को बंद करा के महल की राजनीति ख़त्म करी, उन्होंने राजा साहब के जिंदा रहते पे ही उनके साथ यही किया, उनको खून के आंसू रुलाए, उनको पार्टी से बाहर किया, उनकी पार्टी में बेइज्जती की। इतनी पुरानी हमारा रिश्ता था कांग्रेस के साथ, पुराने कई जनरेशन से, फिर भी राजा साहब की इज्जत नहीं रखी गई, उनको बाहर आना पड़ा पार्टी से। वो खून के आंसू रोते थे, वो मैंने देखा है वो किस तरह से परेशान थे कांग्रेस के साथ में। और आज उनके खत्म होने के बाद, उनके नहीं रहने के बाद, कभी उनकी मूर्ति बना करके उसके थ्रू, कभी उनको उनके उनका नाम, उनकी जो औरत पद्मा 11 करोड़ लेकर के जा चुकी, उस क्षेत्र को छोड़ दिया उसने 11 करोड़ के लिए, उसने बच्चों को छोड़ दिया, उसने राजा देवव्रत सिंह जी को छोड़ दिया, उस औरत को ला करके बार बार भूपेश बघेल जी और उनकी यशोदा वर्मा जी जो है वो ये बता करके कि प्रेजेंट वाइफ पद्मा है कह के वोट कलेक्ट कर रहे हैं, जिसका मेरे पास वीडियो भी है, सबूत भी है, और वोट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से मेरे राजनांदगांव के क्षेत्र के लोगों को बहका करके भूपेश बघेल जी बहुत ही गलत कर रहे हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। मेरी सबसे विनती है, मेरे क्षेत्रवासियों से विनती है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसी महिला जो कि एक बार तलाक करके पैसे लेकर के सबको छोड़ करके जा चुकी और फिर आके उसने महल में पत्थर बरसवा करके भूपेश बघेल जी के साथ कांग्रेस पार्टी के सह पे उन्होंने मेरे साथ मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया, मेरे घर को बंद करा दिया, ऐसे लोगों को वोट ना डाल के अपने उज्जवल भविष्य के लिए सही पार्टी जो उनको अच्छा भविष्य दे उनको वोट डालें, और ना कि वो भूपेश बघेल जी की बातों में आए, झूठी बातों में कि प्रेजेंट वर्तमान पत्नी पद्मा नहीं है और पद्मा का हमारे परिवार राजघराने से कोई लेना देना नहीं है, नितिन पंत की वाइफ है और भूपेश बघेल जी और यशोदा जी अगर ये बोल रही हैं तो बिल्कुल गलत है। आप लोगों को सिर्फ ये मैं बताना चाहती हूँ और हमें उम्मीद है कि आप सारी की सारी जनता हमारी बात पे ध्यान देंगे और सही पार्टी को चुनेंगे, उज्जवल भविष्य की तरफ ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा के दूसरे चरण को लेकर भाजपा के तमाम बड़े शीर्ष नेता प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ का भी दौरा प्रदेश में होगा, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी ने पत्रकारों की चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी डूबती हुई नाव है, सभी नाव से उतर रहे हैं और अन्य दलों में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें बीजेपी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन को लगातार पूरे संजीदगी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ संगठन का काम, पार्टी का काम, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा से बड़ा पदाधिकारी और छोटा से छोटा कार्यकर्ता सभी लोग करते हैं। और चुनाव अभी चल रहा है, मोदी जी का चुनाव है, भारत को आगे बढ़ाने के लिए जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम सब लोग पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का आगमन हो रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं 23 और 24 तारीख को यहाँ कार्यक्रम करने जा रहे हैं और आवश्यक रणनीतियों की दृष्टि से भी आवश्यक चर्चाएं और आवश्यक बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण और शक्तिशाली नेता हैं। आदरणीय अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी आज समाज देश के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण है। इन लोगों के आने से निश्चित रूप से हमारी पार्टी को एक बड़ा फायदा होगा, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि इस बार के चुनाव में मोदी जी की
लहर ही नहीं सुनामी चल रही है। कांग्रेस एक डूबती नाव है और उसके जो पतवार हैं प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी, ये पतवारों के सारे इंस्ट्रूमेंट टूटे फूटे पड़े हैं, तो ये कहीं से नाव को खेने में सक्षम नहीं है। उसके बाद भी लोगों के बीच बीच में टूरिस्ट की तरह पॉलिटिक्स करते हैं, इन पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, टूरिस्ट की तरह ही पॉलिटिक्स करते हैं। कभी कभी आ जाते हैं राजनीतिक पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में, क्योंकि पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को अपना ATM बनाकर खूब लूटा गया है, तो थोड़ा अट्रैक्शन बचा हुआ है, तो इसलिए पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए कभी कभी आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ जगदलपुर बीजापुर जिले के उसूर में चुनाव के दौरान ड्यूटी कर रहे CRPF के जवान की UBGL की सेल अचानक फट जाने से जवान घायल हो गया था। घायल जवान का प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। इसके बाद उसे बेहतर उपचार के लिए जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां इलाज के दौरान जवान शहीद हो गया। शहीद जवान को सम्मान उसके गृह ग्राम जगदलपुर के धोबी गुड़ा भेजा गया, जिससे पूरे गाँव में गमगीन हो गया। प्रथम चरण के मतदान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा का मतदान था, बड़े अच्छे से मतदान संपन्न हुआ। बस्तर में 67% मतदान हुआ है। पूरा विश्वास है कि बस्तर लोकसभा सीट BJP जीतेगी। मध्य प्रदेश के दौरे को लेकर CM साय ने कहा, आज खजुराहो लोकसभा सीट में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा का यह लोकसभा क्षेत्र है। मुख्यमंत्री साय ने खजुराहो में सभा को संबोधित किया है। प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा का मतदान था और बड़े अच्छे से मतदान संपन्न हुआ है और 67% मतदान वहाँ पर हुआ है और हमको पूरा विश्वास है कि बस्तर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम आज खजुराहो लोकसभा सीट जा रहे हैं। वहाँ पर मध्य प्रदेश के हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री VD शर्मा जी, उनका ये लोकसभा क्षेत्र है, तो उनके लोकसभा क्षेत्र में 2 चुनावी सभा है जिसमें हम जा रहे हैं। बिलासपुर लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशी धुआंधार प्रचार प्रसार में लगे हैं। वहीं दोनों प्रत्याशी अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने वापसी करने के लिए अपने दमखम के साथ अनुभवी दमदार प्रत्याशियों के रूप में देवेंद्र यादव को मैदान में उतारे हैं, और वहीं भाजपा के द्वारा लोकप्रिय पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव तोखन साहू को बिलासपुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। बिलासपुर लोकसभा चुनाव में जीत हार के बीच सतनामी और आदिवासी वोटर की झुकाव की अहम भूमिका निभाने वाले होंगे। सांसद की नाकामी रही है, उसके खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं, इससे ये संपूर्ण विश्वास है हमें कि हम बहुत मजबूती से जीत के आएंगे और बदलाव इस बार बिलासपुर में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उथल पुथल मची हुई है, आपस में उनकी लड़ाई लगातार जग जाहिर है, तो कहीं कोई चुनौती नहीं है, हम मजबूती से जीत के आ रहे हैं। माता महामाया जी के प्रांगण में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है, हम कोई भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो माता जी से आशीर्वाद लेकर के ही करते हैं। इस बार छत्तीसगढ़ के 11 में से 11 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता पहले से मन बना चुकी है। 3 महीना पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को नकार दिए हैं, कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिए हैं। अब जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है।